बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी स्टूडियो में ये बताने वाले हैं कि आप अपने अलराजी से किस तरह अपने घर पैसा भेजें। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसे हम सिंपल बोल सकते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप अपना खुद से ही अपना पैसा खुद अपने रूम पे बैठे बैठे आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़र भी चल रहा है, अभी फ्री पैसा जा रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत बिग न्यूज़ है कि आप इसको फ्री पैसे में भी भेज सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं शाबू इन्फो पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को ऑल पे क्लिक प्रेस करके ओके कर दें, क्योंकि मेरी हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप उसका जल्द से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यूज़र आईडी आप देख सकते हैं, यूज़र आईडी और यहाँ पासवर्ड, इंटर पासवर्ड पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने क्विक लॉगिन बनाई हुई है तो अपने यहाँ क्विक लॉगिन डाल के सिंपली ओके करने के लिए अपना क्विक लॉगिन हम डाल लेते हैं। क्विक लॉगिन का पासवर्ड डालते ही आपकी आईडी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, आपका ओटीपी वगैरह का सिस्टम नहीं रहेगा। तो देख सकते हैं आपके सामने आपके इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपके लिए आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो हम सीधे यहाँ आएंगे ट्रांसफ़र पे, हम यहाँ ट्रांसफ़र पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ अलराजी बैंक बेनिफिशरी, लोकल बैंक बेनिफिशरी, इंटरनेशनल बेनिफिशरी, तो हम यहाँ इंटर बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक, इसेंट कैश ट्रांसफ़र, इसेंट इंटरनेशनल टू ट्रांसफ़र बैंक, तो हम यहाँ आपको दिखा दे सकते हैं कि आप नाम पे भी पैसा भेज सकते हैं। देखिए जैसे हमने जिसको भेजा था यहाँ उसका नाम, ये नेम पे पैसा होता है, कैश पैसा। न्यू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, हम ट्रांसफ़र हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, फिर अपने यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट पे, तो देख सकते हैं मैंने जिन जिन को पैसा भेजा है ये सारी लिस्ट, ये उनका नाम आ गया जिनको मैंने नाम पे पैसा भेजा है। तो चलिए हमें भी नाम पे नहीं, हमको भी अकाउंट में पैसा भेजना है, तो हम फिर आ जाएंगे बैक करके, हम यहाँ फिर ट्रांसफ़र पे आएंगे। ट्रांसफ़र पे आने के बाद हम यहाँ इंटरनेशनल बेनिफिशरी पे आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ये बैंक अकाउंट है, जिन जिन को भी आपने अलराजी बैंक से पैसा भेजा वो ऑटोमेटिक यहाँ वो ऐड हो जाता है। तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे बैंक अकाउंट जिनको हमको पैसा भेजना है, फिर हम अकाउंट पर ओके करेंगे, माई अकाउंट, यहाँ ओके करने के बाद आप रियाल भेजना चाहते हैं या आपकी करेंसी जिस कंट्री के हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी कंट्री के हैं, तो आप वहाँ से अपना, तो हमको इंडिया ही भेजना है, बैंक अकाउंट इंडिया है, तो यहाँ ये रियाल रहने देंगे। यहाँ हम अपनी अमाउंट डाल देंगे हमको कितना भेजना है, उसके बाद नीचे लिमिट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अलराजी क्या बोल रहा है, डेली लिमिट यानी रोज़ आप 75,000 तक डेली पैसा भेज सकते हैं, डेली लिमिट, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, यानी डेली की लिमिट है ये। आप यहाँ डिटेल्स में आ जाएंगे, पर्पस में आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट कार्ड, फैमिली, परचेजिंग, होम, स्कूल, मेडिकल, तो टूरिज्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ आप पैसा किस लिए भेज रहे हैं, आपको ये यहाँ इसको सबमिट करना है, आपको अलराजी बैंक को यहाँ ये बताना है कि हम पैसा किस लिए भेज रहे हैं। तो हम यहाँ मेडिकल डाल देंगे, इसके बाद नीचे आएगा टैग, हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ भी मेडिकल डाल देंगे। उसके बाद आ रहा है रिमार्क ऑप्शन, तो हम यहाँ इसको कुछ नहीं डालेंगे, हम इसको यहीं छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका अकाउंट जिस पर आप भेजना चाह रहे हैं उस अकाउंट की सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आप कुछ करने कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप यहाँ एडिटिंग पे करके आप उसे सही कर सकते हैं, नहीं तो ये परफेक्ट है, आपका बैंक अकाउंट जिससे पैसा भेजा, आपने बैंक से जो पैसा भेजा है ये वही अकाउंट है, तो परफेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपकी फ़ीस कितनी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पास कि आपकी फ़ीस कितनी लग रही है, उसके बाद सारी चीज़ें देख सकते हैं डिटेल्स, और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर सारी चीज़ें हम फिर से देख लेंगे, नाम वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह, उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आपका कितना पैसा बन रहा है सारी चीज़ें देख लेंगे, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तो उसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगी, ये ओटीपी तब आती है जब आप एम पिन का यूज़ करते हैं। अगर आप एम पिन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है,
एम पिन यूज़ वाले लोग के लिए OTP अवेलेबल कराई गई है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। हम OTP डाल देंगे अपनी। देख सकते हैं माशाल्लाह पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ आपसे दो चीज़ बोली जा रही है, शेयर ट्रांसफ़र PDF फाइल, सेंड ट्रांसफ़र टैक्स। तो अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप ये शेयर कर सकते हो। चलिए हम अपना टैक्स शेयर कर लेते हैं, इसको ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद हम व्हाट्सअप बोल रहे हैं, व्हाट्सअप पे करना है, फेसबुक मैसेंजर, तो आप किसी भी शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे, इसको ओके करने के बाद हम व्हाट्सअप पे शेयर कर देंगे। देख सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सअप पे शेयर हो गया। तो कितनी आसानी से आप अपना पैसा ट्रांसफ़र रूम पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आपका मसला हो रहा है पैसा भेजने में, या आपके बैंकिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा आपकी जल्दी से जल्दी मदद हो सके। और अगर आपको अलराजी में अकाउंट कैसे बनाना है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो लिंक पर डायरेक्ट वीडियो पर आके आप अपना अकाउंट किस तरह खोलते हैं ये भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं।